भयंकर एक्सीडेंट, अगर इसमें अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा ना, मुझे लग नहीं रहा वो आदमी बचा भी होगा। और आजकल देखो पूरा स्टॉक भरा पड़ा है, दिख रही यार है मेरा बचपन का, और अभी तक साथ में हम। भाई की मुस्कुराहट देखो भाई, बिल से इतना बड़ा आ रखा ना जैसे हमने क्या ही ले लिया हो। ये है वी मार्ट, यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात बताऊँ, सब बोल्ड जितने भी हैं वो उन्होंने भगवा कलर के करवा दिए, वो हमारे लिए एक प्राउड वाली बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो मैं हूं आपका दोस्त परमीन नेगी और मैं टेरी गोडवाल के गंजाली शहर से ब्लॉग करता हूं। फिलहाल नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे देहरादून शहर से, और मेरे पीछे देख सकते हो हमारे भाई नितिन। तो अभी हम जस्ट अंशुल के रूम पर आए थे, भाई का काम भी निपट चुका है, और अभी हम जा रहे हैं वापसी रूम पर जहाँ पर मैं पहले रहता था। भाई तो वहीं पर रहता है अभी, और काम भी हैं बहुत सारे, तो पहले वो निपटाने, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं क्या सीन रहता है देहरादून का। फिलहाल तो यहाँ पे मौसम बड़ा प्यारा सा है, गर्मी भी लग नहीं रही है जिस हिसाब से यहाँ पे गर्मी होती है। तो चलो, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितिन भाई को ड्राइविंग करते करते 15 साल हो चुके हैं। 15 हो गए हैं। तो चेक कीजिएगा इस जोगी वाले का वेदर, बहुत ही प्यारा है भाई। तो ये है जी अपनी पुरानी गलियाँ, ये हमारा आर्य नगर का शिव मंदिर, और इन गलियों को तो हम कभी नहीं भूल सकते। ये अपना विराज टीवीएस है जहाँ पर हम सेल्स की जॉब करते थे, और आज यहाँ पर आगे ना दिन ताजे हो जाएंगे। ये हमारे अनु भाई हैं, इन्हें आई फ्लू रखा तो मैं ना। ये जी अपनी एंटोक जिसकी अभी सर्विस होगी। तो पूरा एरिया ना कौन सा सर्विस एरिया, और भाई चेक करोगा इस एंटोक के क्या हाल हो रखे, इतना भयंकर एक्सीडेंट, अगर इसमें अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा ना, मुझे लग नहीं रहा वो आदमी बचा भी होगा। हैंडल देखो पूरा अलग, क्या क्या देखने को मिल रहा है यार। और यहाँ पे सबसे पहले वॉशिंग होती है, उसके बाद जाती है सर्विस के लिए। इसका भी एक्सीडेंट ही हो रखा है। ये वाला जो फ्लोर है दगड़ियों, सबसे नीचे वाला फ्लोर है, उसके बाद यहाँ से चढ़ के गाड़ियाँ ना ऊपर जाती हैं, उसके बाद सर्विस होती आती है। तो अभी सर्विस करवा रहे हैं, उनसे टाइम तो हो गया है, बट अपने भाई का, अपना जो वीरपाल भाई है यहाँ पे एज अ सर्विस मैनेजर है, तो थोड़ा फ़ायदा तो अपने भाई का होने का यहाँ पे ना, अपनी गाड़ी सर्विस हो रही है। वैसे यहाँ पे टाइमिंग जो है ना सर्विस ऑफ हो जाती है 6 बजे। ये है दोस्तों आई क्यूब की चाबी इलेक्ट्रिक, और चेक कीजिए ये पूरी कार की तरह लाइट लूट सब है भाई इस पर। ये है दोस्तों यहाँ पे गाड़ियों का स्टॉक, और आजकल देखो पूरा स्टॉक भरा पड़ा है। रोनिन का भी, रोनिन 225 सीसी में जो गाड़ी है ना, उसका भी स्टॉक फुल है। एंटॉक से लेकर जुपिटर से लेकर पूरा स्टॉक यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिए विराज टीवीएस को, ये देखिए। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी देखो बुक हो रखी है, और मेरे नाम से पंकज नेगी, ये चेक करो गाइस यहाँ पे। और ये हमेशा अपनी जगह बनाई रहती है, आरटीआर अपाची वगैरह की यहीं पर रहती हैं, वो अपनी टीवीएस की जान शान 310। तो चेक करो गाइस, देखो चारों तरफ जो है लाइटें जल चुकी हैं, इसका मतलब अंधेरा हो चुका है, तो अपने को भी निकलना चाहिए अपने रूम की तरफ। और ये है जी राजपुर रोड का शाम का नज़ारा। अभी हम अपने पुराने वाले रूम पे आए थे, तो अभी देखो यहीं पे रात पड़ गई है, और हम जा रहे हैं अभी वापसी दूसरे वाले रूम पे। The next day. कल तो दोस्तों मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं रख पाया, इसका मेन रीज़न है, तो तुम्हारे भाई को भी आई फ्लू हो गया। क्या हुआ कि मैं जब रूम पे गया तो भाई, एक भाई को वहाँ पे आई फ्लू हो रहा था, तो मैंने आई थिंक उसका जब से टॉवल यूज़ किया तो मेरे आँखें एकदम जलन करने लगी। तो इस आई फ्लू का इलाज ना आपने कुछ नहीं करना है दोस्तों, टाइम टाइम पे अपनी आंखें साफ़ करते रहिए पानी से, और आई ड्रॉप डालते रहिए, तो ये है कि आपकी आंखें जल्दी सही हो जाएंगी। जैसे मेरी भी बहुत जल्दी ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी क्या है कि थोड़ा ना खुजली टाइप की हो रही है उसमें। ये पता कब फैलता है, जिसको आई फ्लू हो रहा है उसकी कोई सी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जैसे गॉगल्स वगैरह हो गए, उसका टॉवल वगैरह हो गया, तो वो चीज़ें अवॉइड कीजिए, उसकी वो चीज़ें यूज़ मत करना, तो आप भी सेफ रहोगे और अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए। बाकी ये बीमारी तो बहुत तगड़ी चल रही है भाई आजकल। A few moments later. अपने रूम से मैं अभी शॉपिंग वगैरह करने आया था थोड़ी बहुत, और मेरे साथ है मेरा दोस्त
सुमित। तो ये इसके साथ में आया हूँ क्योंकि इसे बहुत जानकारी है यहाँ की, क्योंकि लोकल है भाई यहाँ का। कितने साल हो गए यहाँ पे? सिक्स में आया था यहाँ पे। सेवन। कितने साल हो गए अभी? छः सात साल हो गए भाई को यहाँ पे। तो भाई को अच्छे से पता है कि कौन सी जगह पे क्या मिलता है। भाई यहाँ पे ना जो सेल्स बॉय है ना, वो हमें ऐसे घूर रहे हैं कि ये पहनकर कितने कपड़े देख रहे हैं, लेके दो जाएंगे क्योंकि उनके लिए आफत हो जाती है ना उन्हें सही करते हुए। चलो एक बार भाई से पूछते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस ना कैसा है भाई का। नया साथ वो कर रहा हूँ, आफत नहीं पहले पहले होती है, बाद में फिर हो जाती है अपने आप। भाई हमारे चमोली से हैं, चेक करो, लेकिन बढ़िया है भाई, एक नंबर। सारे कपड़े ख़राब करके ना तब जाके एक येलो वाली उठाई हमने, क्योंकि येलो थोड़ा अलग सा बढ़िया सा कलर लग रहा है ना। चेक करो गाइस कैसे लग रही है ये वाली टी शर्ट। भाई आप कहाँ से हो? मैं उत्तरकाशी से। ऐसे मिलते हैं, थोड़ा जान पहचान बढ़ानी पड़ती है। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ कम नहीं होता भाई जान पहचान। अपने भाई लोग जब कहीं दिखते हैं ना तो भाई बढ़िया सा लगता है एकदम से ना, दिल खुश सा होता है। तो हम भाई लोगों से एक्सपीरियंस पूछ रहे थे कैसा कैसा यहाँ पे सीन। देख रही यार है मेरा बचपन का, और अभी तक साथ में हम। देखो भाई की डिमांड देखो, पर चलो भाई ऊपर भी चलो, बच्चे हो रखे तुम्हारे। आई थिंक ये तो बच्चों के लिए है ना, जिस दिन शादी हो जाएगी ना उस दिन आएंगे यहाँ पे ना। तो भाई बहुत सारा घूम के और सब कुछ चेक करके ना, मतलब अभी हमने दो टी शर्ट सेलेक्ट किए हैं तो उनकी बिलिंग वगैरह करवाते हैं। बाकी यहाँ का जो डेकोरेशन है बहुत ही प्यारा भाई। ये है विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट का अंदर का भाई क्या ढूंढ रहा था। भाई बाई वन गेट वन फ्री वाला ढूंढ रहा है। और देखो अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे अगर आप कैरी बैग वगैरह लेते हो, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। तो भी भाई से बिलिंग वगैरह करवाते हैं। भाई की मुस्कुराहट देखो कैसे। भाई ज़्यादा तो नहीं है रेट आपने हमें देख के। कौन सी जगह से हो भाई? ओके मैडम जी सर क्या 203 है। देखो भाई आजकल ना वी मार्ट में पूरा ऑफर वगैरह सही चल रहे हैं, तो चेक कर सकते हो आप यहाँ पे आके। भाई बिल तो इतना बड़ा आ रखा ना जैसे हमने क्या ही ले लिया होगा, इतना देखो इतना बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप गेट क्रॉस करते हो तो सबसे पहले भैया जी है ना बिल चेक करते हैं। भैया अगर बिल सही नहीं होगा तो अंदर बाहर भी ध्यान दोगे ना, बिल देखना पड़ता है, वो तो आपकी ड्यूटी है। ठीक है भैया, बाकी ये चेकआउट करो गाइस। ये आपका रिस्पना के पास में है ना वी मार्ट, वहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। बाकी चलो अब थोड़ा ना रात पड़ने वाली है तो उसके बाद उससे पहले हम घर निकलते हैं। पड़ने वाली क्या, पड़ गई। चल यहाँ पे ये पार्किंग जोन है टू व्हीलर के लिए, बाकी फोर व्हीलर के लिए बाहर पे ही है। तो ये है वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट करके बोलते हैं आज। और यहाँ पे देखो आजकल क्या ऑफर चल रहे हैं, फैशन स्टार्ट इन 199, बहुत सही ऑफर है भाई। अब बता कहाँ चल रहे। ये है अभी शाम का टाइम रिस्पना साइट। तो यहाँ ना शाम के टाइम पे बहुत भीड़ भड़ाका रहता भाई, और ट्रैफिक तो हद से ज़्यादा। अभी हम पल्टन मार्केट पहुँच चुके हैं, देहरादून का सबसे फेमस मार्केट है पल्टन बाज़ार, और इसका जो एग्जिट लोकेशन है वो घंटा घर के जस्ट पास है। पीछे चेक कर सकते हो आप मेरे घंटाघर है, और ये अपना घंटाघर, और इसकी लाइटिंग जो है ना कल 15 अगस्त है तो इस हिसाब से इसकी लाइटिंग भी कर रखी है। और ये है अपना, यहाँ से पल्टन बाज़ार शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट फेमस क्या बोलते थे भैया, क्या बोलते थे, कैलॉट। कैलॉट सॉफ्ट टी खाने के लिए ना, आपको चाहे सॉफ्ट हो या आपका केक वगैरह हो, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह कुछ भी खाना, उसके लिए आपको सबसे पहले टोकन कटवाना पड़ता है यहाँ पे, देन उसके बाद वीआ देते हैं। ये है अपनी सॉफ्टी है, क्या कह रहा, पहले 10 की आती थी अभी 20 की हो गई। ये हमारे भाई जी हैं जो सर्व करते हैं यहाँ पे। क्या सीन है भाई इसका, कितने का है भाई? ये मिल जाएगा यार तुम्हें 250। भाई यहाँ पे चल रही जूते और चप्पलों की तगड़ी सेल, भाई को देखो कमजोर और मुर्गे का गया मोर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
भाई जो ये कॉन्फिडेंस इन लोगों के पास रहता है ना, वो ये पकड़े वो किसी के पास नहीं है भाई। कसम से स्पीकर से भी भयंकर आवाज़ आ रही है इनकी, बहुत तगड़ी वाली, इतना तेज बोलते हैं, तभी जाके ना कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है। देहरादून आओगे तो पलटन बाज़ार ज़रूर आना। क्या पलटन बाज़ार के जो दुकानदार होते हैं ना भाई, क्या ही बोलते हैं इनके बारे में, क्या लगता है भाई तुझे? तू पिघल जाते हैं इनकी बातों में? सही बात है भाई, आराम से पिघल जाएगा भाई, हर कोई इंसान आराम से पिघल जाएगा। सेल करना सीखना है तो यहाँ पे आपको एक महीना कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो। मार्केटिंग सीख जाओगे तुम यहाँ? क्या बोलता है? हाँ, मार्केटिंग तगड़ी, MBA से बढ़िया, एक महीना यहाँ रहो। अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब भाई और मैं अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक खेल लगाते हैं। तो दगड़े देखो, शाम के टाइम ना यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका आज है नहीं, वैसे बहुत भीड़ रहती है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, ये जो जितने भी दुकानदार हैं ना, इनके बोर्ड देख रहे हो आप, भगवा कलर के हैं, तो हमारे लिए एक प्राउड वाली बात है हिंदुओं के लिए। सब बोर्ड जितने भी हैं वो उन्होंने भगवा कलर के करवा दिए। तो भाई यहाँ पे ना आज चल रही है तगड़ी वाली सेल, क्या बोलता है भाई? ने तो तबाह के शॉपिंग कर ली है, और मैंने भी अपना दो तीन शर्ट टी शर्ट वगैरह लिया है यहाँ से, छोटे भाई के लिए तो वी मार्ट से लिया। टाइम ही नहीं मिला यार आने का, इसलिए आज लेट भी हो गया, 8:30 तो यहीं पे बज चुके हैं। भाई सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लग रही है यार, चारों तरफ जब देख रहा हूँ ना दुकानों के बोर्ड पे नज़र पड़ रही है भाई, भगवा कलर के, सब भगवा कलर के, तगड़े एकदम, तगड़ा वाला सी भाई। जो कॉन्फिडेंस लेवल इन भाई लोगों का होता है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए अपने को, तभी जाके हम सक्सेस होंगे भाई। और बाकी ये है ना स्कूटी, तो गाइस होपफुल आप सब लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। चला फिर, और चलते हैं सुमित भाई और मैं घर।